Okay, good morning dear children. So we will continue with our chapter building with bricks. So in last session what we learned till how bricks are made, how bricks are manufactured. Last class mein humne dekha tha kaise bricks banti hain aur these bricks are baked into a kiln. Kiln matlab aag ki jo bhatti hai usme ये पकती हैं, राइट? और कैसे बनती हैं इनको हमने जंबल जो पिक्चर्स थी उसको हमने अरेंज किया था, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सी, सो हियर लेट अस रीड फर्स्ट. हैव यू सीन अ ब्रिक किल? डिड यू ट्राई टू गेस द नंबर ऑफ ब्रिक्स केप्ट देयर? देयर आर मेनी मेनी ब्रिक्स किल इन इंडिया. Thousands of them, more than 100,000. Can you imagine how big this number is? This number is also called 1 lakh. Can you try to write it? Ask your friends where they have heard of lakh. So, beta, isme aapse तो बेटा इसमें आपसे पूछा गया है कि आपने कभी किल्न देखी है? किल्न यानी भट्टी देखी है? और एक भट्टी में, भट्टी तो बेटा मैंने आपको किल्न जो है आपको जब ब्रिक कैसे मैन्युफैक्चर होती है तब मैंने आपको दिखाई थी. और उसमें वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि एक बार जब भट्टी में ईंटे जाती हैं तो वो कितनी जाती होंगी. तो ये भी बता रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारी हैं ईंट जो सेकने की भट्टी है वो बहुत सारी है. तो मोर देन 1 लाख, 100,000. So 100,000 तो हम कभी बोलते नहीं ना, तो हम पहले 100,000 एक बार लिख कर देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है. देखिए जैसे ये आपका ओके. तो बेटा जैसे 100,000 है तो अगर हम 100 मतलब ये दो जीरो लग गई तो 100 और उसके बाद 1000, तो 1000 में कितनी जीरोस होती हैं? 1, 2 and 3. तो ये टोटल कितनी जीरोस हो गई? 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये 5 जीरो हो गई. अब 100,000 बोला है लेकिन इसको 100,000 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 1 lakh. 1 lakh. अब आप सोचोगे कि मैम ने ये बीच में क्या ऐसे गैप्सा बना दिया, ये कमास लगा दिए. तो बेटा ये जो आपका इंडियन सिस्टम है न्यूमरेशन का उसमें पहले तो ये 1000 वाली जो 3 है ये पहले 3 प्लेसेस जो होते हैं ये वंस के प्लेसेस होते हैं, फिर टेंस वंस टेंस 100 और फिर उसके बाद 1000 में 2 प्लेसेस होते हैं. इस तरीके से आपका न्यूमरेशन सिस्टम चलता है, ठीक है? तो अभी मैं आपको इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम दिखाती हूँ. बहुत डीप में अभी हम नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में डीपली बताया जाएगा. अभी हम सिर्फ इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम कैसे होता है, क्या उसके पीरियड्स होते हैं, मैंने कॉमा क्यों लगाए हैं, कितने डिजिट के बाद कॉमा लगाना है वो आपको अभी दिखाती हूँ मैं. ओके, तो बेटा ये देखिए ये आपके सामने ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है. यहाँ पर क्रोर्स तक दिया हुआ है लेकिन फिलहाल हम लैक्स की बात करेंगे. ये देखिए ये जो पिंक वाला पोर्शन है 1, 10, 100, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है 1, 10, 100. तो बेटा ये तीनों कलेक्टिवली वंस पीरियड कहलाता है. ये जो ये है ना पीरियड, पीरियड बोलते हैं बेटा. ये जो कलरफुल ये जो आपको दिखा रखा है ये सेम कलर ये पीरियड्स हैं. और बेटा जो पीरियड्स होंगे उसमें ही उसी के अकॉर्डिंग आपने कॉमर्स लगाने हैं. तो पहला 1, 2, 3, तो आपने 3 पीछे से यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट किया आपने, तो 3 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाएंगे जैसे मैंने लगाया था. और फिर उसके बाद ये जो 2000 और 10000 ये जो प्लेसेस भी है ना, जैसे ये पीरियड तो वंस का हो गया लेकिन इसमें प्लेसेस कौन कौन से आते हैं? 1, 10 और 100. तो ये वाला जो आपका पीरियड है वो वंस का है. तो जो पीरियड है बेटा दोबारा बता रही हूँ, वहां पर कॉमा लगता है, कॉमा लगता है उसके पीरियड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. फिर आपका 1000 है और 10,000 प्लेस है, तो दोनों में 1000 1000 आता है ना, तो ये दोनों एक ही पीरियड में आएंगे विच इज 1000. फिर लाख और 10 लाख, तो ये एक पीरियड में आएंगे.
तो जब आपको कमा लगाना होगा तो पीछे से राइट साइड से जब आप शुरू करेंगे तो 3 के बाद एक कमा लगाएंगे, फिर ये जैसे 2 का एक पीरियड बनता है 10,000 और 10,000 का, वहां एक कमा लगाएंगे, फिर लैक्स और 10 लैक्स का बनता है, और फिर क्रोर्स। तो जब आप क्रोर्स पढ़ेंगे बेटा तो फिर आप ये 2 के बाद ही लगाएंगे, मतलब पहला 3 से शुरू करते करते 2 2 2 पे कमा लगाएंगे। ठीक है, ये बेटा इंडियन चार्ट है, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम है। ओके, अब देखो जैसे यहाँ पर था, पीछे से हमने जब शुरू किया राइट हैंड साइड से तो 3 जीरोस के बाद आपने 3 डिजिट हो गई ना ये, इसमें कॉमा लगाया, फिर 2, फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ तो 1 ही है, राइट? सो दिस बिकम्स 1 लाख। ओके, सो नाउ फाइंड आउट, लुक एट दीज फोटोज एंड गेस हाउ मेनी ब्रेक्स आर कैरिड बाय दिस ट्रक। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम अ ट्रक ड्राइवर हाउ मेनी ब्रेक्स दे कैन कैरी इन 1 ट्रक। बेटा ये ट्रक दिखा रखा है आपको, इस ट्रक में बहुत सारी ईंटें हैं, राइट? तो आपको क्या करना है, गेस करना है कि इस एक ट्रक में कितनी ईंटें होंगी, कितनी ब्रिक्स होंगी। और साथ ही साथ अगर बेटा अगर आपको मौका मिल पाए किसी से बात करने का, तो आप पूछ सकते हैं कि अंकल इसमें कितनी ब्रिक्स जाती हैं आपके ट्रक में। तो आप ये देखेंगे कि जो दो तीन साइज के जो ट्रक होते हैं, अलग अलग साइज के ट्रक में अलग अलग अमाउंट की, अलग अलग नंबर की ब्रिक्स जाती हैं, तो ये भी आपको पता करना है। ठीक है, ओके बेटा, सो नाउ दिस इज योर वर्कशीट फॉर टुडे। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट मेंटली एंड राइट द आंसर। आपको ओरली आपको इसको कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद लिखना है उसका आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन में है, इफ अ ब्रिक कॉस्ट ₹1, देन 500 ब्रिक्स विल कॉस्ट। अगर एक ब्रिक 1 रुपए की है तो 500 ब्रिक कितने की होंगी? तो 500 ब्रिक, ठीक है, और एक ब्रिक कितने की है? 1 रुपए की। तो 500 ब्रिक्स हैं, 1 रुपी ईच ब्रिक, तो कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इट्स 500 रुपीज। ओके, सो दिस इज 500, ओके, रुपीज रुपीज लगाएंगे बेटा। यूनिट्स वगैरह और ये बहुत जरूरी होती हैं चीजें, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, इफ द कॉस्ट ऑफ अ ब्रिक इज ₹2, देन कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक इज ₹, सो हियर वी सी, हो गया। सो बेटा इट इज ₹, सी 1000 ब्रिक्स एंड ईच ब्रिक कॉस्ट ₹2। 1000 ब्रिक थी 1000, और 1000 ब्रिक जो है, एक हर ब्रिक कितने रुपए की थी? 2 रुपए की। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज ₹2000, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। नेक्स्ट इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज ₹5, देन कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक इज ₹। सो सिमिलरली बेटा हियर 2000 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू ₹10,000। एंड नेक्स्ट वन इज, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज ₹3, देन कॉस्ट ऑफ 4000 ब्रिक इज ₹4000। 4000 रुपए की 4000 ब्रिक, और हर ब्रिक कितने रुपए की है? 3 रुपए की, तो वो 12,000। ठीक है, उसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक इज ₹3000, द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक इज। बेटा यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, पहले तो आपको 1 ब्रिक की कॉस्ट बताई गई, उसके बाद आपसे 3 ब्रिक मतलब कितने रुपए की 1 ब्रिक है उसको मल्टीप्लाई किया। मतलब जब भी हम ज्यादा करते हैं कैलकुलेट तो वो मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? अब यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट दी हुई है, ब्रिक्स भी ज्यादा दी हुई है, लेकिन आपको कम चीज निकालनी है ना, तो कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 3000 डिवाइडेड बाय 1000, ये डिवाइड का साइन बेटा वो जो आपकी बुक में भी होता है ऐसे एक बीच में माइनस जैसा साइन और ऊपर नीचे डॉट वैसे भी करके, तो ये 10 से 10 गई, 20 से 20 गई, 30 से 30, तो बचा क्या? ₹3। तो एक ब्रिक 3 रुपए की थी। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको टेबल कंप्लीट करनी है। नंबर ऑफ ब्रिक्स 1000, और 1000 ब्रिक कितने की है? 6000 की। यहाँ नंबर ऑफ ब्रिक्स 500 है, यानी 1000 के बिल्कुल आधी ब्रिक्स हैं, तो 6000 का बिल्कुल आधा प्राइस होगा, राइट? तो कितने की हो जाएंगी? 6000 का आधा 3000। ओके,
सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट. नेक्स्ट 2000 ब्रिक्स 18,000 की है, 18,000 की है 2000 ब्रिक्स, तो 2000 का बिल्कुल आधा जो है 1000 है, तो यानी 18,000 का बिल्कुल आधा प्राइस कितना होगा, इट्स 9,000. ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल. एंड द लास्ट वन इज 6,000 ब्रिक्स कॉस्ट रुपीज 24,000, 6,000 ब्रिक्स की कॉस्ट क्या है 24,000, तो 6,000 का बिल्कुल आधा कितना है 3,000 ब्रिक्स, तो इसी हिसाब से 24,000 का बिल्कुल आधा रेट कितना हो जाएगा, इट इज 12,000. यस ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट. वन मोर थिंग बेटा, अभी आपको मैंने इंडियन न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग आपको पीरियड्स में कॉमा लगाना बताया है, तो कॉमा के साथ हम करेंगे इसको. ये लास्ट राइट साइड से शुरू करेंगे तो आपको कॉमा 3 के बाद लगाना है, राइट. सो यू हैव टू पुट कॉमा हियर एंड इन प्रीवियस क्वेश्चन एज वेल यू विल डू लाइक दिस. फाइव हंड्रेड में देर इज नो नीड, क्योंकि वो तीन प्लेस ही है, तीन प्लेस के बाद हमें यहाँ कॉमा लगाना है, या 500 के आगे कॉमा लगाएंगे तो भी कोई ऐसा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होगा. 10,000 राइट, लास्ट से 3 डिजिट छोड़कर आपको कॉमा लगाना है. ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन सेशन. थैंक यू.